थी बाबूजी। मितवा लेकर आए से चलो अनु बिटिया चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर। बस एक लफ्ज मुंह से मत निकाला। आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? मैं तमीज से पेश हूं। तमीज चलो यहां से। देखिए आप जबरदस्ती कर रहे हैं अनु के साथ। बस चलो यहां से। सर सर देखिए मुझे पता है कि आप अनु के पिता हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। चला सर। सर अनु और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। बाबूजी मैं शक्ति से अभी कभी नहीं मिलूंगी बाबूजी। अनु तुम क्या कह रही हो? बाबूजी आपसे कुछ मत कहिएगा, इसका कुछ मत बिगाड़िएगा बाबूजी। मेरी वजह से इस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। अनु तुम डर क्यों रही हो? तुम बालिग हो अनु, तुम्हारी मेरी शादी को कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी बाबूजी मैं से बहुत चाहती बाबूजी। बाबूजी मैं आपकी प्यार बढ़ती हूँ। चलो चलो चलो। मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा अगर तुमने मेरी बेटी से कोई वास्ता रखा तो। आप जाती कर रहे हैं मेरे साथ और अपनी बेटी अनु के साथ भी। सर सर देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने अनु की शादी किसी और कर दी तो वो अपनी जान दे देगी। वो मुझे मंजूर है लेकिन उसके साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। मैं कसम खाती हूँ मैं कभी नहीं मिलूंगी शक्ति। फिर मेरी उस लड़के मेरी कसम खाने की बात नहीं। अरे तेरा मेरा मुंह काला कराने के लिए जन्म दिया इस बेहाल पर फोन लगा बात करवा के मार दे और घर पर आना तो घर पर बोलना। मुझे माफ कर दीजिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ मुझे तेरे जान दिखाइए। तूने तो सारी मर्यादा बाल कर दी। न बाप का डर न माँ की फिक्र इश्क के जुनून में इतनी अंधी हो गई है तो। मैं क्या कोई फायदा नहीं भैया से बात करते से। वो लड़का 17 साल बड़ा है अनु से। अरे 50 साल भी बड़ा होगा ना तो भी कर दूंगा इस ससुरी का हाथ पीले वरना ये हमारा मुंह काला करा के छोड़ेगी। हेलो हमारी हाँ बोल रहा हूँ जी। जो रिश्ता आया था हमारे यहाँ और जिस लड़के से मिलने गया था तू उसी से रिश्ता पक्का कर दे अनु के लिए और कल ही गाड़ी पकड़ कर इधर चला और ले गए ससुरी को भी घर पर। मगर कल रात तू यहाँ मौजूद होना चाहिए समझा। मैं तो आ जाऊंगा जीजा जी मगर उस लड़के की उम्र कुछ ज्यादा है। वो तो लड़के वालों ने खुद आपसे बात कर ली थी और आपने हुक्म दिया तो मैं चला गया था वहाँ। वरना ऐसे घर में थोड़ी हम अनु का रिश्ता करने वाले हैं। अनु का रिश्ता कहाँ होगा ये फैसला तू करेगा या मैं? उम्र से मुझे कोई एतराज नहीं है। कल ही गाड़ी पकड़ कर इधर चला समझा। देखिए अनु बेहोश हो गई। अंदर ले जाकर 4 छींटे मार पानी के होश आ जाएगा। नाटक कर रही है है? तो ले जाए चल। भवानी कली गाड़ी पकड़ कर इधर चला समझा। आ जाओ मैं जिया जी मगर अनु बिटिया को क्या हुआ? अरे घबरा मत जिंदा है मरी नहीं है अभी। हमारी क्लोज डोर मीटिंग्स बढ़ती जा रही हैं मंगला। दिल की बेकरारी भी तो बढ़ती जा रही है जीजू। अपने जज्बातों पर थोड़ा काबू लाओ। We both have families. I know जीजू। लेकिन जीजू, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। काश दीदी की जगह तुमने मुझसे शादी की होती। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने पति के साथ नाम के लिए हो जैसे मैं तारा के साथ। रिश्ता तो हम दोनों के बीच है।
वही तो सोचकर घुटन सी होती है। हमारी एक बेटी भी है, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं लेकिन साथ नहीं रह सकते। इससे ज्यादा बदकिस्मती किसी औरत की क्या हो सकती है। क्या हुआ मंगला? मंगला, मंगला, I want to live with you forever. लेकिन तुम शादीशुदा हो ना? विधवा बनकर रहना मुझे मंजूर है लेकिन इस तरह से शादीशुदा? Calm down, मंगला। हम शादीशुदा ही तो है, हमारी एक बेटी है, हमारे संबंध पति पत्नी जैसे ही तो है। मैं दुनिया के सामने तुम्हारी पत्नी कहलवाना चाहती हूँ। दीदी को तलाक दे दो। Now you are dreaming, Arvind, बोलो। Dad. Dad, there's a piece of bad news, Dad. What? ठीक है, तुम घर पर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ, फोन करके फोन किया इसी बात। चलो। लेकिन क्यों? अरे तुम बहस मत करो, जाना पड़ेगा। चलो। हाय सूरज। हाँ किशन। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मिस्टर सूरज, ये आपको झूठ बोलने की आदत कब से पड़ गई? जब मैं यहाँ अंदर आई तब आप अपनी फाइलों में खोए हुए थे। ओह सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे मैं यूं ही पन्ने पलट रहा। वैसे आज तुम लोगों की फैक्ट्री तारा केमिकल्स फाइनली बंद हो गई। मुबारक हो। वैसे भी वो फैक्ट्री रोहित भैया और डैड की थी। अच्छा हो उसके बंद होने के साथ साथ मम्मी का नाम भी वहां से मिट गया। बिल्कुल, अब वो फैक्ट्री कभी शुरू नहीं होगी। हेलो, तो तुमने हमसे अपना पतला निकाल ही लिया मिस्टर सूरज। मिस्टर रोहित, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं। अगर मजबूर हूं तो सिर्फ इस बात के लिए कि इस मामले में मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन तुम भी सुन लो सूरज, कि अगर तुमने हमारी फैक्ट्री बंद करवाकर हमारा करोड़ों का नुकसान करवाया है तो मैं भी उसकी कीमत तुम्हारी जान लेकर वसूलूंगा। और यह मेरा वादा है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे ख्यालों से भी दूर ले जाऊंगा। फिलहाल तो तुम्हारी बहन मेरे इतने करीब है कि मैं उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पैदा हुई नफरत को साफ देख सकता हूं। बात करते हैं। रोहित भैया, फैक्ट्री के बंद होने में मेरी खुशी इसलिए इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि इसे बंद करवाने में सूरज का हाथ है। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। मुबारक हो सूरज बाबू, मुबारक हो। ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री के मेन गेट पर सरकारी ताला देखकर आ रहा हूँ। आपने कमाल कर दिया। वो तो होना ही था रवि बाबू। मुझे उम्मीद है कुसुम जी कि इस खबर से आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर बस ठीक, अगले महीने की पहली तारीख को बस्ती के लोगों की एक सभा रखी गई है जिसके अंदर उस एमएलए लंकेश की काली करतूतों का भांडा फोड़ा जाएगा और साथ ही लोगों को यह बताया जाएगा कि आने वाले चुनाव में उसकी जगह मुझे क्यों वोट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, बस्ती के लोगों की तरफ से आपको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। हाँ, और मैं भी आपकी कैंपेनिंग करूंगी। भाई वाह कुसुम जी, यदि आपके जैसे पूंजीपति लोग आम आदमी के साथ मिल जाए तो इन भ्रष्ट राजनेताओं का पल भर में भांडा फोड़ा जा सकता है। सूरज बाबू, एक बार आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके संपर्क में रहूंगा। जरूर जरूर। अच्छा कुसुम जी, नमस्कार। नमस्ते। ये फैक्ट्री खबर तो बहुत तेजी से फैल रही है।
चाय पियोगे? ये कहाँ खो गई? हाँ सूरज, मैंने और मम्मी ने अलग रहने का फैसला कर लिया है। क्यों? है एक ऐसी बात, मैं बताऊंगी तुम्हें। सूरज, मम्मी इज आफ्टर मी, वो चाहती है कि हम दोनों जल्द से जल्द कोर्ट में शादी कर लें। तेरे सुनी भी कोर्ट में शादी कर रही है। हम भी अगर कोर्ट में शादी करेंगे तो अम्मा का तो बुरा हाल हो जाएगा। डोंट वरी, अम्मा को मैं मना लूंगी। चलो तीन चल के चाय पीते। चलो, बट मेरी गाड़ी तो गैरेज में है, शाम को मिलेगी। तो मेरी गाड़ी है ना, चलो। ओके। तुम फैक्ट्री गए थे? यस डैड, हमारी फैक्ट्री पर सरकारी ताला पड़ चुका है डैड, और निर्मल शास्त्री के बेटे रवि कुमार के नाम की जय जयकार हो रही है डैड। नो डैड, नो, मैं तेजस्विनी के भाई सूरज को इस दुनिया में जिंदा नहीं देख सकता। लेकिन इसके लिए मैं हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहना चाहिए ना? एग्जैक्टली डैड, एग्जैक्टली। मैं आपको देखने के लिए आपके ऑफिस में गया था, बट यू वर नॉट देयर। आप थे कहां पर डैड? एंड योर मोबाइल वॉज ऑफ। गलती साफ हो गया था। Anyway, मैंने सूरज से फोन पे बात की थी और मैंने उनसे ये धमकी दे दी है डैड, साफ साफ धमकी दे दी है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Yes, उसे मुर्दा देखकर ही अब मुझे चैन मिलेगा। My God, 8 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए। कुसुम की वजह से। आप उसे सूरज से अलग करवाने के लिए उसे साइकोलॉजी का पाठ पढ़ाते रहे और वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथों से निकल गया। डैड, अगर हम चाहते ना तो हम ये केस किसी दूसरे रीजनल ऑफिसर के पास ट्रांसफर करवा सकते थे। आई नो, अगर कोल्हापुर वाली फैक्ट्री में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाए तो। जर्मन कंपनी अब हमें कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी डैड, बिकॉज वी हैव बीन ब्लैकलिस्टेड। एंड बाय द वे, कुसुम ने आपको और मुझे फैक्ट्री बंद हो जाने की खुशी में मुबारकबाद दी है। ऋषि, वही अपने चहेते सूरज के पास, वहीं से फोन किया था उसने मुझे। डैड, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई और हम लोग उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कल अखबार की सुर्खियां हमारी बेइज्जती की कहानी कह रही होंगी और हम लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। कम ऑन डैड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, मेरी बात ध्यान से सुन। शिंदे से कहकर सूरज को रास्ते से हटवा दो और हमारे किसी वर्कर को खरीद कर पुलिस में यह बयान दिलवा दो, फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण एक वर्कर ने अपने परिवार को भूखा मरता देख रीजनल ऑफिसर सूरज पर हमला किया और उसे जान से मार दिया। गुड, नाउ यू आर टॉकिंग डैड। लेकिन सूरज तुम्हें मिलेगा कहां? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उसे मैं ढूंढ लूंगा। ओके, गुड लक टू यू। हाँ रोहित भैया। हाय कुसुम, कहाँ पर हो तुम भाई? डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्या काम पड़ गया मुझसे? Now my dear sister, don't be so rude. तुम अकेली हो और रात के 9 बज चुके हैं। मैं रात के 12 बजे भी अकेले आई हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सूरज के साथ हूँ। गुड, very good. Could you please do me a favor? Could you pick up some Chinese food for me on the way from that famous joint? Sorry, वो famous joint पीछे छूट गया है। और हाँ, मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी।
मैं सूरज को पहले उसकी गैराज ड्रॉप करूंगी और फिर घर लौटूंगी. सो टेल दैट नॉट टू वरी अबाउट मी. ओके ओके एज यू विश. बाय, विल सी यू देन. ये लोग चाइनीज जॉइंट से आगे निकल चुके हैं. आज ये आदमी घर जिंदा नहीं पहुंचेगा. हेलो हेलो शिंदे. हाँ साहब. हाँ सुनो शिंदे, कुसुम मेम साहब की गाड़ी वर्ली नाका से आगे निकल चुकी है, उसका पीछा करो. वर्ली नाके से? अरे साहब मैं तो वर्ली नाके वाली रोड से ही बोल रहा हूँ. गुड, वेरी गुड. अच्छा सुनो, गाड़ी का नंबर है MH044295. शिंदे, उस गाड़ी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है. वो आज जिंदा घर नहीं पहुंचना चाहिए. इस काम के तुम्हें 5 लाख भी मिल सकते हैं. कितना? 5 लाख. और अगर पकड़े गए तो पुलिस से छुड़वाने की गारंटी हमारी. काम आज ही करना है? आज करना है, अभी इसी वक्त. सुनो, कुसुम उस आदमी को एक गैराज पे छोड़ेगी. वो आदमी गैराज के अंदर जाएगा और जब वो बाहर निकले तो उसका पीछा करो और कोई सुनसान जगह देखकर उसको. बेफिक्र रहो रोहित साहब, आपका काम हो जाएगा. ओके. तुम घर चलो ना, तुमने वैसे भी अपने घर बता तो दिया है कि तुम देर से आने वाली हो. नहीं सूरज, मैं ढंग के कपड़े पहन के आऊंगी अम्मा के सामने. अरे अम्मा मॉडर्न ख्यालों की है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मुझे पड़ता है. मैं कल आऊंगी. ठीक है? ठीक है. चलो 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 जल्दी चलो बैठो. सुनो, एक आदमी को उठाने का है. हाँ साहब. खल्लास करके फेंक देने का है. हो जाएगा साहब. समझा? ये गाड़ी जा रही ना, इसी में है वो. ओके बाय. बाय. अम्मा को कह देना कल मैं आऊंगी. ठीक है. बाय बाय बाय. वो आदमी जा रहा ना, वही है.